हमारे जनपद में 7 विधानसभाओं का मतगणना होगी और उसमें गाजीपुर संसदीय क्षेत्र भी है, बलिया संसदीय क्षेत्र भी है। कुल 2949 बूथ है। बूथों की संख्या के आधार पर विभिन्न विधानसभाओं में राउंडों की संख्या भी अलग अलग है। हमारा सारा मतगणना स्थल की व्यवस्था हो गई है। प्रत्येक मतगणना पंडाल में 14-14 टेबल की व्यवस्था है और कर्मचारियों का प्रशिक्षण हो गया है और कल समय से पहुँचेंगे और हमारा मतगणना, हमारा पूरा विश्वास है कि 8 बजे सुचारू रूप से पहले पोस्टल बैलेट्स की गणना होगी, फिर आधे घंटे बाद ईवीएम की गणना शुरू हो जाएगी, फिर लास्ट में जो 5 ऐसे रैंडमली सेलेक्टेड बूथ्स का प्रत्येक विधानसभा में वीवीपैट की पर्चियों की भी गिनती होगी और हम लोग काउंटिंग एजेंट्स भी बना रहे हैं सारे प्रत्याशियों का, जो आयोग के मानक के अनुसार प्रत्याशियों भी अपनी काउंटिंग एजेंट्स बनाने में तत्परता से लगे हुए हैं और आप सब लोगों के सहयोग से और विभिन्न राजनीतिक दल और प्रत्याशियों के सहयोग से हमें पूरा विश्वास है कि बिल्कुल शांति से कल की मतगणना की कार्यक्रम संपन्न होगा। सिक्योरिटी के क्या अरेंजमेंट किए गए? सिक्योरिटी पुलिस विभाग ने सबसे पहला तो जो काउंटिंग हॉल की जो गेट है वो हमेशा पैरामिलिट्री फोर्स के सुरक्षा में रहती है। जो फर्स्ट बाउंड्री है मंडी का, वो स्टेट आर्म्ड पुलिस का रहता है, PSC अथवा अन्य आर्म्ड पुलिस का रहता है। और बाहर 100 मीटर जो एरिया होता है वो हमेशा पेडेस्ट्रियन जोन होता है, वहाँ कोई भी व्यक्ति गाड़ी से नहीं आ सकता, पैदल ही आ सकता है। और 100 मीटर परिधि में बिना आइडेंटिटी कार्ड का पुलिस द्वारा प्रवेश नहीं किया जाएगा। तो जिन लोगों को वास्तव में वहाँ आने की ज़रूरत है उन सबको हम लोग पास दे रहे हैं और 100 मीटर परिधि में हमारा गाजीपुर जनपद की पुलिस रहेगी। फिर उसके बाद हम लोग जगह जगह बैरियर बनाए हैं सुरक्षा के लिए और इसके अतिरिक्त हमें अतिरिक्त पैरामिलिट्री फोर्स की कंपनी भी आज मिलने की संभावना है सुरक्षा के लिए। और CCTV कैमरास लगाए हैं, वीडियो कैमरास भी लगाए हैं, प्रॉपर बैरिकेडिंग भी कर दिए हैं। तो सुरक्षा के लिए हमारे स्तर से अच्छे व्यवस्था है और उसके कारण कोई ऐसी कोई अव्यवस्था होने की कोई संभावना नहीं है। अप्रॉक्सीमेट कितने कर्मियों को लगाया गया है मतगणना? 14 टेबल है प्रत्येक विधानसभा में। एक टेबल में एक काउंटिंग सुपरवाइज़र होते हैं, एक काउंटिंग असिस्टेंट होते हैं और उनकी कामों को निगरानी करने के लिए एक केंद्र सरकार का, बैंक्स का, पब्लिक सेक्टर कॉरपोरेशंस का एक और काउंटिंग माइक्रो ऑब्जर्वर होते हैं। फिर एक चतुर्श्रेणी कर्मचारी होते हैं जो उक्त टेबल का जो मशीन्स को स्ट्रांग रूम से लेके आएंगे, फिर लेके जाके वापस रखेंगे। इस तरह का एक टेबल में 4 कर्मचारी है। प्रत्येक विधानसभा में 14 टेबल है तो 7 विधानसभा है। ECI ने वीवीपैट के पर्चियों की गिनती के भी निर्देश दिए, सर उसका मॉडल सेपरेट है? अभी वर्तमान में निर्देश यही है कि हम पहले कंट्रोल यूनिट्स का जो काउंटिंग है उसको पूरा करेंगे, फिर उसके बाद जिन कंट्रोल यूनिट्स जिसमें रिजल्ट्स नहीं दिख रहा है उसकी वीवीपैट्स की पर्चियों की मिलान होगी, फिर उसके बाद जो 5 ऐसी बूथ्स रैंडमली चयन किया जाएगा प्रत्याशियों या उनके एजेंट्स के सामने, उन बूथ्स की वीवीपैट की पर्चियों की गिनती होगी। वर्तमान में व्यवस्था यही है, यदि कोई नई व्यवस्था आ रही है तो उसके लिए भी हम लोग तैयार हैं। सर कितने ईवीएम मशीनों की काउंटिंग होगी, कुछ इसका आंकड़ा है? 2949 बूथ है तो इतनी कंट्रोल यूनिट्स का तो हमारा काउंटिंग होगी और कुछ ऐसे बूथ्स है जो मतदान के दौरान चेंज बदले गए हों, तो वहाँ मान लीजिए एक कंट्रोल यूनिट में पहले से 200 वोट पड़ गया, फिर वह खराब ही हो गया, फिर दूसरे कंट्रोल यूनिट रखें तो दोनों कंट्रोल यूनिट टेबल के सामने आए। तो जो खराब ईवीएम मशीन होगी उनकी भी वोट पड़े होंगे तो उसकी नहीं, जो भी वोट्स एक बार पड़ गया फिर दूसरी बार रिप्लेस हुआ, फिर दोनों ईवीएम्स को हम लोगों ने उसका काउंटिंग के लिए लिया जाएगा। सर एक भ्रम की स्थिति बनाई जा रही है कि मशीनें बदली जा रही हैं और एक रूमर लगातार फैलाया जा रहा है, तो इस बारे में क्या कहना है? नहीं, इसके बारे में जो भी अब क्या है उसकी स्थिति, प्रत्याशियों ईवीएम की मशीन्स की स्ट्रांग रूम की निगरानी के लिए कितनी लोगों को तैनात कर सकते हैं, उस स्ट्रांग रूम की सुरक्षा, स्ट्रांग रूम की माहौल के दृष्टिगत प्रशासन के स्तर से जो संख्या बताई गई थी उसमें कुछ प्रत्याशी सहमत नहीं थे, फिर बाद में हम लोगों ने उनको पूरी तरह से आश्वस्त करा के उनको 5वें विधानसभा के लिए एक एक पॉइंट पे एक एक व्यक्ति तैनात करने के लिए हम लोगों ने उनको आश्वस्त कराए थे, उनके द्वारा तैनात भी की जा रही है
और वो लोग निरंतर निगरानी भी रख रहे हैं। तो हमारे और इसके अलावा हमारे जनपद से रिजर्व ईवीएम्स का, ट्रांसपोर्ट का या ऐसी या मतलब आयोग के नियमों के विपरीत ट्रांसपोर्ट करने का ऐसा कोई प्रकरण भी इस जनपद में नहीं है। और हमें पूरा विश्वास है कि हम लोगों ने जो प्रत्याशी है उनको आशंकाओं को दूर किए हैं और उनके द्वारा भी निगरानी रखी जा रही है। अब ईवीएम के सुरक्षा के बारे में हम लोग पूरी तरह से आश्वस्त हैं और प्रत्याशियों को भी आश्वस्त कर रहे हैं, उसमें कोई गड़बड़ी होने का बिल्कुल कोई संभावना है ही नहीं। सर, वीवीपैट के संदर्भ में आपने कहा कि पोलिंग एजेंट के सामने पांच जगहों को चिन्हित किया जाएगा, तो क्या वो सर लॉटरी सिस्टम से पांच जगह रैंडम लॉटरी सिस्टम से पर्ची निकाला जाएगा?